तो हम लोग आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो सीखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ए साइन थीटा इक्वल टू बी साइन थीटा प्लस 2π/3 इक्वल टू सी साइन थीटा प्लस 4π/3 एक कंडीशन दे रहे हैं। और प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू जीरो, ए चीज हमें प्रूफ करना है। अब रह देखते हैं, हमें जो कंडीशन गिवन है यदि इसमें ए बी सी का डिवाइड करते हैं, इस पूरे फॉर्मेट में भी ए बी सी का डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें। अच्छा ऐसा ही रहने दो, या ए बी सी का डिवाइड करने के बाद कंडीशन बनेगी 1/a + 1/b + 1/c। फाइनली यदि हमने इसको प्रूफ कर दिया तो ये चीज अपने आप प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि 1/a + 1/b + 1/c = 0 एक कैसे आया, इस वाले फॉर्मेट में हमने ए बी सी का डिवाइड किया। जब इस वाले फॉर्मेट में ए बी सी का डिवाइड करेंगे तो ये कंडीशन आएगी, यदि हमने 1/a + 1/b + 1/c को 0 के इक्वल प्रूफ कर दिया उसका एलसीएम लेंगे तो ये तो अपने आप प्रूफ हो गया। अब हमें इस चीज पर ध्यान देना है कि ये कैसे प्रूफ होगा, मतलब 1/a + 1/b + 1/c इससे कैसे आएगा। हमें जो कंडीशन गिवन है ए साइन थीटा इक्वल टू बी साइन थीटा प्लस 2π/3 इक्वल टू सी साइन थीटा प्लस 4π/3 इसको हमने के इक्वल लिया। अब जब के इक्वल लिया तो इसके अकॉर्डिंग मतलब ए साइन थीटा इक्वल टू के होगा, बी साइन थीटा प्लस 2π/3 ये भी के हो जाएगा, और सी साइन थीटा प्लस 4π/3 ये भी के इक्वल। तो इधर से 1/a की वैल्यू कितनी आएगी, 1/a की वैल्यू आएगी साइन थीटा अपॉन के, ठीक है। और इधर से 1/b की वैल्यू कितनी आएगी, साइन थीटा प्लस 2π/3 / k। इधर से 1/c की वैल्यू कितनी आएगी, साइन थीटा प्लस 4π/3। समझ में आ गया। अब हमें 1/a, 1/b, 1/c की वैल्यू मिलेगी। अब हमें इस पर ध्यान देना है, तो 1/a + 1/b + 1/c इक्वल टू साइन थीटा अपॉन के, ठीक है, प्लस साइन थीटा प्लस 2π/3 / k प्लस साइन थीटा प्लस 4π/3 इधर भी के। तो के एलसीएम लेके हम इस साइड आएंगे तो होगा के, और 1/a + 1/b + 1/c इक्वल टू क्या जाएगा, साइन थीटा और प्लस साइन प्लस साइन थीटा प्लस 4π। ये चीज अच्छे समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, अब हमें इसको सॉल्व करना है। 2π/3 का मतलब क्या होता है, 120 डिग्री, और 4π/3 का मतलब के ब्रैकेट में 1/a + 1/b + 1/c इक्वल टू, इधर लिखेंगे साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 120 डिग्री। इसका मतलब 120 डिग्री 2π/3 प्लस साइन थीटा प्लस 4π/3 का मतलब क्या होगा, 4π/3
240 डिग्री। ध्यान देना है, इसको साइन थीटा प्लस साइन, इसको लिख सकते हैं हम 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस 60 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। साइन 120 डिग्री को 180 डिग्री और प्लस 60 थीटा माइनस 60 डिग्री लिख दिया। अच्छा, इसको साइन 180 डिग्री प्लस थीटा प्लस 60 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, इधर देखो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस थीटा माइनस 60 डिग्री। और साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा प्लस 60 डिग्री, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, ये होगा साइन थीटा, इसमें माइनस कॉमन है, इधर आ जाएगा साइन थीटा प्लस 60 डिग्री और प्लस साइन थीटा माइनस 60 डिग्री। ये समझ में आया किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस 60 डिग्री। तो इधर हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा और साइन 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल होके, अब कंडीशन क्या है, तो के ब्रैकेट में 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इक्वल टू 0। तो एलसीएम लेंगे तो के इधर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी इक्वल टू 0, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर, ओके।